अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड तो हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। खाब देखते थे नैना जी, हाँ आपका और हमारा यही ख्वाब होने वाला है पूरा, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दंगल 2 से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहा है नितेश तिवारी ने दंगल 2 को लेकर और क्या मिल गई है दंगल 2 की स्क्रिप्ट। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कौन होगी दंगल 2 की स्टारकास्ट। आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं अपना फर्ज तो पूरा कर लूं और कर लूं आप लोगों का वेलकम। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो बात करते हैं दंगल फिल्म की। दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी को कौन नहीं जानता, उनके सक्सेस के किस्से ही कुछ इतने हैं जो कि दंगल से जुड़े हुए हैं। दंगल मूवी को ऑडियंस ने आमिर खान के बेहतरीन एक्टिंग और नितेश तिवारी के परफेक्ट डायरेक्शन के लिए काफी पसंद किया था। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में नितेश तिवारी से जब दंगल 2 पे काम कब शुरू होगा करके एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस हो गए हैं खुश। लेकिन हम आपको बता दें कि दंगल की मूवी अपने आप में एक पूरी मूवी मानी जाती है, क्योंकि इस मूवी में आमिर खान यानी कि महावीर सिंह फोगाट की दोनों ही बेटियों को मेडल्स मिल जाते हैं और मूवी को कर दिया जाता है कंप्लीट। तो इसीलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दंगल 2 में दंगल की ही स्क्रिप्ट कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन हाल ही में हुए इंटरव्यू में नितेश तिवारी ने बताया कि दंगल तो अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी रही ही, इसीलिए दंगल 2 को भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है और एक डिफरेंट स्क्रिप्ट की जरूरत है, क्योंकि दंगल के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस उनसे और इस मूवी से काफी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि नितेश ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अभी उनका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से वो बाकी स्क्रिप्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दंगल 2 के लिए कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल जाती है तो वो इस पर जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि अभी नितेश अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल को लेकर बिजी है, जिसमें वरुण धवन और जानवी कपूर आने वाले हैं नजर, और फिल्म की रिलीज डेट 7 अप्रैल 2023 अनाउंस कर दी गई है। इसी के साथ आमिर खान भी अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ बिजी हैं, जिसमें नजर आने वाली है उनके साथ करीना कपूर खान, और जो कि रिलीज की जाएगी 11 अगस्त 2022 को। फिल्म की रिलीज डेट इंडिपेंडेंस डे के आसपास की रखी गई है, तो देखना यही होगा कि फिल्म में क्या खास दिखाया जाता है। सूत्रों की माने तो दंगल 2 पे 2024 के एंड तक काम शुरू कर दिया जाएगा और इस फिल्म में हमें आमिर खान के साथ नजर आ सकती हैं दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। खैर वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन हम लोगों का तो काम ही है वक्त से पहले आप लोगों तक फिल्म से जुड़ी सारी अपडेट्स लाना, जो कि हम करते भी हैं। लेकिन काम नहीं करते तो वो है आप, जो नहीं करते हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, तो प्लीज कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि हम तो मिलते ही रहेंगे। नमस्कार।